आप हमारे साथ होंगे, हर एक महकमा हमारे साथ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन साथ होगी, तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज हम ये अकेले में नहीं कर पाएंगे। और वाटर का स्ट्रीट जो आपके स्ट्रीट लाइट्स है एसडीएम साहब, क्योंकि लोग फिर हमें शिकायत करते हैं कि इसमें जो सड़कों थोड़ा उसको जड्डी वड्डियां लगा के कुछ थोड़ा अच्छा सा है ना बैनर वैनर हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हेल्थ का तो आपका इन प्लेस रहता है, बिकॉज इतनी बड़ी गैदरिंग है तो कहीं खतरा होता है, स्टैम्पीड है, कोई फेंट हो जाए तो जी जी। तो आप ये मेन मेन थे जो एप्लीकेशन हुई थी तो आप आए, आपका शुक्रिया। हमारा मकसद यही है कि वक्फ बोर्ड का में जो फ्लो रहता है, लोगों का आना रहता है, वो पॉसिबल नहीं है कि हम हैंडल कर पाए, कहें कि हम ही ये करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने परसों देखा भी होगा या हर एक स्टेटमेंट रहमतुल्लाह साहब का उससे मुबारक आने वाला है। उस सिलसिले में हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग बुलाई थी ताकि वहाँ हैसल फ्री सारी फैसिलिटीज़ मिले। वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से बहुत कोशिश कर रहा है, हमारे लोग भी, मगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का होना लाजमी होता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर ARTO, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का होना लोगों के लिए बहुत लाजमी है। उस वक्त हैसल फ्री मूवमेंट भी हो जाए, कहीं वाटर सप्लाई, आपके यहाँ पे बिजली की सप्लाई और बाकी चीज़ें जो वहाँ दरकार होती हैं उनके लिए हमने सारे XCN साहबों से बात की, क्योंकि वहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए कि सड़क जैसे ख़राब हो, मैग्नमाइज हो। ये सारी चीज़ें हमने तय की और इंशाल्लाह रहमान ये सारी चीज़ें लोगों को मिलेंगी और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी, इसलिए लोग आएंगे। क्योंकि हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह साहब के साथ जो अकीदत लोगों की है वो बरकरार रहे, अल्लाह करे वहाँ से हमें रहमतें मिलें। और हम आपके ज़रिए से लोगों को कहेंगे कि वहाँ जब पोशाक बंदी भी होगी और उर्से मुबारक मनाया जाए, सारे लोग आए, क्योंकि अब अमन है, खुशहाली है, और इसी में हमारे दरगाहों पे मेले लगे हैं, लोग आए जोक दर जोक आए और वहाँ से फैज़ हासिल करें। बिल्कुल ट्रांसपोर्ट है, सभी के लिए अवेलेबल है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जिनके पास है उनके लिए तो हम कहेंगे नहीं, वो जब भी चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए गवर्नमेंट ने, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो गाड़ियां रखी हैं वो जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आज की मीटिंग थी।